राधा किशन दमानी। इनकी जिंदगी के तीन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहे हैं। पहले थे बेयर कार्टेल में, फिर बन गए ये एस इन्वेस्टर, और फिर बन गए एक एस बिजनेसमैन। एंड नाउ फॉर ऑल ऑफ अस ही इज अ लेजेंड। राधा किशन दमानी, हु वाज अ फ्रेंड फिलोसोफर गाइड टू राकेश झुनझुनवाला, ही विल बी द मेन व्यक्ति। हु डू यू काउंट अमंग योर मेंटर्स इन द मार्केट? मेंटर इज ओनली वन, मिस्टर राकेश। राधा कृष्ण दमानी, कौन है राधा कृष्ण दमानी? द लाल स्ट्रीट से डीम मार्ट, भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने ये पिछले साल, मुकेश अंबानी के जस्ट पीछे। वैसे आजकल तो ये चौथे सबसे अमीर इंसान है भारत देश के। वॉरेन बफे बोलते हैं इनको, इंडिया का। चैप्टर नंबर वन, बेयर कार्टेल। राधा किशन दमानी, जिनका जन्म हुआ इन मार्च 1954, ये एक मालवाड़ी फैमिली में पैदा हुए इन बीकानेर, जहाँ पे इनके फादर का एक स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस था। सो ही वॉज फ्रॉम अ डिसेंट वेल टू डू फैमिली। बट राधा किशन दमानी का खुद कभी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था नहीं, उनको बिल्कुल भी मजा नहीं आता था इसमें, और उनको पढ़ाई में भी मजा नहीं आता था। तो उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया और खुद का छोटा सा एक बॉल बेयरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। बट कहते हैं ना, अगर हाथों की लकीरों में कुछ लिखा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। अनफॉर्चुनेटली राधा किशन दमानी सर के फादर की अनटाइमली डेथ हो गई, एंड राधा किशन दमानी एट दैट टाइम वॉज 32, जिसकी वजह से उनको स्टॉक मार्केट्स में आना पड़ा, एंड ही हैड टू हैंडल हिज फादर्स बिजनेस। बिजनेस में आते ही रियलाइज कि सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग से ज्यादा पैसे कमाए नहीं जा सकते, ट्रेडिंग करना जरूरी है। उस समय एक और बड़े फेमस ब्रोकर थे बाय द नेम ऑफ दीना मेहता। उन्होंने राधा किशन दमानी के बारे में ये बोला, वो एक ऐसे आदमी थे जो ट्रेडिंग सर्कल के पास खड़े जाते थे, कभी चिल्लाते नहीं थे, कभी कुछ बोलते नहीं थे, कभी कोई ऑर्डर नहीं बोलते थे, वो बस खड़े होकर शांति से सबको देखते थे और मार्केट की पल्स पकड़ने की कोशिश करते थे। और ये वही टाइम था जब उनका एक निकनेम पड़ गया था मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट, बिकॉज़ वो फेमस थे व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट पहनने के लिए। क्यों पहनते थे? सो दैट सुबह-सुबह उनका टाइम वेस्ट ना हो कपड़े चूज करने में, तो व्हाइट और चलो काम पे। और इसलिए गोयला ने भी सिर्फ व्हाइट ही पहना। अब उस टाइम पे शेयर बाजार में एक आदमी का राज था, वो थे द ब्लैक कोबरा मनु मानिक। राधा किशन दमानी मनु मानिक के अंडर है, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे शेयर्स को शॉर्ट करते हैं। और कहते हैं इसी टाइम पे एक और ग्रुप बन गया था ऑफ द ट्रिपल आर, जहां पे थे राधा किशन दमानी, दूसरे थे राकेश झुनझुनवाला, और तीसरे थे एक चार्टिंग एक्सपर्ट बाय द नेम ऑफ राजू। और अगर आपको स्कैम 1992 सीरीज याद हो, उसमें भी इन तीनों को दिखाया था। और इन सब का ना बस एक ही दुश्मन था जो हर बार इनके सामने खड़ा जाता था, और उस दुश्मन का नाम है हर्षद मेहता। बेयर्स जिनका पूरा क्लैन बना हुआ था, और एक बुल खड़ा होता था हर्षद मेहता। और कितनी बार राधा किशन दमानी के ट्रेड्स गए अगेंस्ट हर्षद मेहता, बट हर बार हर्षद मेहता सर ही जीते थे। और इन्हीं फाइट्स में से एक फाइट का किस्सा है अपोलो टायर्स का, जहां पे राधा किशन दमानी भर भर के स्टॉक्स बेच रहे थे, बट दूसरे एंड में खड़े थे हर्षद मेहता, जिनको बीट करना मुश्किल से नामुमकिन होता जा रहा था। बट वो गिरे कैसे? जब टाइम्स ऑफ इंडिया में सुचिता दलाल ने आर्टिकल दिया अबाउट हर्षद मेहता एंड हिज स्कैम। राधा किशन दमानी ने उस समय बोला था कि अगर हर्षद 7 दिन तक अपनी पोजीशन और होल्ड कर लेता ना, तो उनको सड़क पे कटोरे के साथ खड़ा होना पड़ता। 1992 स्कैम के बाद स्टॉक मार्केट्स 1300 पॉइंट से 600 पॉइंट्स में आ गया, जिसमें राधा किशन दमानी ने बहुत सारे पैसे कमाए। और यहाँ पे उन्होंने रियलाइज किया कि असली पैसा इन्वेस्टमेंट्स में है। और फिर हुआ उनकी लाइफ का सेकेंड चैप्टर, एस इन्वेस्टर। ये चैप्टर राधा किशन दमानी को अलग लेवल पे ही ले गए, और ये चैप्टर शुरू होता है चंद्रकांत संपत से। चंद्रकांत संपत, जो खुद में ही एक लेजेंड है, और उनको बोला जाता है द फादर ऑफ इंडियन वैल्यू इन्वेस्टिंग। दुख की बात यह है कि शायद ज्यादा उनके बारे में कोई जानता नहीं है। तो राधा किशन दमानी चंद्रकांत संपत के वन ऑफ द वेरी अर्ली मेंटीज में से एक थे। चंद्रकांत संपत वॉज वेरी क्लियर ऑन हिज रूल्स ऑफ डिसिप्लिन वैल्यू इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल, फाइंडिंग अंडरवैल्यूड स्टॉक। और यहाँ पे राधा किशन दमानी का पूरा दिमाग खुल गया कि एक्चुअल पैसा कोई कमा सकता है ना, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही कमा सकता है। एंड देयर ही स्टार्टेड हिज इन्वेस्टमेंट जर्नी, जहाँ पे उन्होंने अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना शुरू किया, स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना शुरू किया, स्टॉक्स को फंडामेंटली एनालाइज करना शुरू किया, और इनकी वजह से ही हैड सम ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स। कुछ इन्वेस्टमेंट जो बहुत इनकी अच्छी गई हैं, सबसे पहली थी VST इंडस्ट्रीज में, जो कंपनी टबैको बनाती है। इन्होंने जब शेयर्स खरीदे थे, इनकी एवरेज बाइंग प्राइस थी 85 रुपीज की, और आज VST का शेयर है 3300 के आसपास। सेम चीज इन्होंने की थी SGFC बैंक में, जब 1995 में SGFC का IPO आ रहा था।
और 1995 वो टाइम है जब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की कुछ इज्जत थी नहीं, क्योंकि हर आदमी सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही जाता था। बट राधाकृष्ण दमानी बिकॉज ऑफ हिज फंडामेंटल स्टडी, बिकॉज ऑफ हिज मेंटर चंद्रकांत संपत, इनके पास एक फोर साइटेडनेस थी एंड ही सॉ एक्चुअल जो शिफ्ट होगा वो होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। इन्होंने HDFC के IPO में 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की और शेयर्स खरीदे बाय 40 रुपीज पर शेयर, और अब तो HDFC स्टॉक हम सबको पता है किस लेवल पे आ गया। और इसी टाइप की विनिंग इन्वेस्टमेंट्स उनकी हुई है कोलगेट में, जिलेट में, नेस्ले में, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, 3M इंडिया, जुबिलेंट फूडवर्क्स, सुंदरम फाइनेंस। दिस इज व्हाट राधाकृष्ण दमानी इज एज एन इन्वेस्टर, ओनली फोकसिंग ऑन द फंडामेंटल्स। और यहां से उनका शुरू होता है चैप्टर नंबर 3, एस बिजनेसमैन। सर ने बीच में स्टॉक मार्केट से लिया थोड़ा ब्रेक और नवी मुंबई में सस्ते में एक जमीन खरीद ली, और ये जमीन इनके लिए बाद में बहुत जरूरी साबित हुई। इन्होंने अर्ली 2000s में अपना बाजार की फ्रेंचाइजी ली, जो एक रिटेलर था, वहां पे काम करते करते इन्होंने देखा वेंडर से कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं, सप्लायर से कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं, धंधा ये चलता कैसे है। बट बहुत बार वो अपना बाजार की टैक्टिक से खुश नहीं थे, ना उनसे अग्री करते थे। सो 2002 में राधाकृष्ण दमानी ने खुद का रिटेल बिजनेस शुरू किया बाय द नेम ऑफ डीमार्ट और कंपनी खोली बाय द नेम ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट्स। और जो नवी मुंबई में सस्ती जमीन ली थी ना, वहीं से डीमार्ट की शुरुआत हुई थी। और राधाकृष्ण दमानी की फोरसाइटेडनेस ऐसी थी, उन्होंने कभी भी डीमार्ट को किसी फैंसी मॉल या महंगी जगह ऐसी जगह नहीं खोला, बिकॉज उनको था वो रेंट वहां पे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उन्होंने डीमार्ट सिर्फ वहां खोला जहां पे वो खुद वो लैंड ओन करते हो। डीमार्ट की ग्रोथ ऐसी रही है कि 2011 में इनके 25 स्टोर थे एंड 2022 में इनके पास 300 से भी ज्यादा स्टोर है। और आप बोल सकते हो कि ये ग्रोथ काफी स्लो रही है, पर राधाकृष्ण दमानी का एक बहुत ही सिंपल फंडा था, वो कभी भी नया स्टोर नहीं खुलते थे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बिना। अगर नया स्टोर उतना ही प्रॉफिट देगा या ज्यादा प्रॉफिट देगा तभी वो स्टोर में इन्वेस्ट करते थे, बिकॉज ऑफ विच एवेन्यू सुपरमार्ट्स इस लेवल तक पहुंच गया है। उन्होंने बहुत सिंपल 4 टैक्टिक्स यूज किए। सबसे पहला लो कॉस्ट इंटीरियर। जब भी आप किसी डीमार्ट के ब्रांच में जाएंगे ना, आपको बहुत फैंसी इंटीरियर लग्जरियस चीजें नहीं मिलेंगी, चीजें बहुत रॉ होंगी। और मेन फोकस हर डीमार्ट स्टोर का होगा कि चीजें आपके लिए अप्रोचेबल हो फॉर एज अ कंज्यूमर और आपको डिस्काउंट्स में हेल्प करें, लग्जरियस एनवायरमेंट देके नहीं। और विद टाइम जैसे जैसे डीमार्ट का नाम फैलता गया, इनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा हो गया। और फिर राधाकृष्ण दमानी स्टार्टेड चार्जिंग स्लॉटिंग फीस, जहां पे वो कंपनीज को चार्ज करते थे कि अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट आगे रखा जाए डीमार्ट में तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, पीछे रखा जाएगा तो कम होंगे। ये थी इनकी फास्ट साइटेडनेस, ये अपने कस्टमर्स को भी एज अ प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। एंड तीसरी चीज थी रिलेशनशिप्स, ये अपने वेंडर्स और सप्लायर्स की रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करते थे और करते हैं, जहां पे दूसरे वेंडर्स आपसे माल लेंगे और 60 दिन बाद पेमेंट करेंगे, वहीं पे डीमार्ट 10 दिन के अंदर कर देता था, जिसकी वजह से ये वेंडर्स से अच्छे डिस्काउंट्स मांगते थे और वेंडर्स खुशी खुशी से देते हैं। एंड फोर्थ चीज डेटा एनालिटिक्स, ये हमेशा देखते थे कि कौन सा स्टॉक ज्यादा बिक रहा है, कौन सी चीजें नहीं बिक रही हैं, और उसके हिसाब से अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करते थे, जो किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और फिर मार्च 2017 में राधाकृष्ण दमानी ने एवेन्यू सुपरमार्ट्स को लिस्ट किया, उसका IPO निकाला और IPO पे ऑफर किया था 299 पर शेयर। कांग्रेचुलेशंस एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, डीमार्ट हैज बीन लिस्टेड टुडे। और ये IPO 100% प्रीमियम में गया, जिसके बाद इनका मार्केट शेयर हो गया ऑफ 39,000 करोड़। और जो इनके दो राइवल्स थे ना, फ्यूचर रिटेल ग्रुप और आदित्य बिरला फैशन, उन दोनों का मार्केट कैपिटल मिला दो ना, तभी भी एवेन्यू सुपरमार्ट ज्यादा था। और आज एवेन्यू सुपरमार्ट की शेयर प्राइस है ऑफ 3,500 पर शेयर विद अ मार्केट कैपिटल ऑफ 2.28 लाख करोड़। इस लेजेंड की स्टोरी से ना तीन चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। सबसे पहला कि एट द एज ऑफ 32 ही एंटर्ड स्टॉक मार्केट्स। हम सोचते हैं कि अगर हमें 25, 26, 27 साल में कुछ नहीं हुआ, हम पैनिक करने लग जाते हैं। अंडरस्टैंड दिस, सक्सेस आपकी कभी भी आ सकती है, यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट। डिफरेंट लोगों की अपॉर्चुनिटी और डिफरेंट लोगों की तकदीरें डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट होती है। लेसन नंबर 2, एक मेंटर कितना जरूरी होता है। हम लोग सोचते हैं कि एक मेंटर है तो उस पहले खुद प्रूफ करे, खुद दिखाए, बट चंद्रकांत संपत खुद इतने बड़े कभी नहीं हुए जितने राधाकृष्ण दमानी हो गए। तभी भी राधाकृष्ण दमानी लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हिम। सो हैविंग अ मेंटर इन स्टॉक मार्केट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लेसन नंबर 3, एक अच्छा इन्वेस्टर होगा ना
उसका साइड में एक बिजनेस वो खुद ही खोल लेगा, बिकॉज एक इन्वेस्टर जब इतने बिजनेस में पड़ता है ना, वो खुद ही एक बिजनेसमैन बन जाता है, खुद ही एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है। सो नेवर फील गिल्टी और ब्लेम समवन कि स्टॉक मार्केट्स में है तो बिजनेस क्यों कर रहा है। और ये सब राधा कृष्ण दमानी सीखा था कमिंग आउट ऑफ दैट मन्नू मानिक सिचुएशन जो बेयर कार्टल की डार्क एजेस थी। यू वॉन्ट टू नो अबाउट द डार्क एजेस, दिस वीडियो विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग।